बाइक का बैलेंस तो सही लग रहा है मेरे को, मतलब मेरे को हैवी फील नहीं हो रही है बाइक अभी है। एंड गियर रेशो भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब मैं पहले गियर पे भी आराम से खींच पा रहा हूँ, वाइब्रेशन ज़्यादा नहीं है। पहले गियर में काफ़ी अच्छा इसने पिकअप लिया, मज़ेदार है। लेट्स सी ये ट्रैफिक में मैन्यूवर कितना इजी है या टफ है। तो हाईवे पे तो मैं चढ़ गया हूँ मैं ना, इतना कुछ टफ नहीं है इसका जितना मेरे को लग रहा था, और मैंने भी तीसरे गियर पे ही चला पा रहा हूँ मैं, अच्छा लग रहा है तीसरे गियर पे, ऐसा कुछ टफ नहीं है। यानी स्मूथ है बाइक, गियर डाउन कर रहा हूँ ना तो स्लिपर क्लच है इस वजह से ना। देखो यार क्या होता है कि गियर डाउन करता हूँ झटका नहीं है इसके अंदर, तो जैसा इंटरसेप्टर का सिस्टम है वैसे है, बट इंटरसेप्टर से ज़्यादा स्मूथ है, तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा इसमें। सो लेट्स सी, यहाँ से फटाफट निकाल के देखते हैं हम। आगे से यू टर्न लेते हैं, ओके। तो इन्होंने स्पीडोमीटर कम कर रखा है, मैं वही कंफ्यूज था कि स्पीडोमीटर चल क्यों नहीं रहा है। फिफ्थ गियर बहुत आराम से, इंजन ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है, मतलब स्मूथनेस है यार, मक्खन की तरह फील हो रहा है। गियर एंड वाइब्रेशन मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे फील हुआ मेरे को, हाँ इस साइड पे मेरे को वाइब्रेशन फील हुआ, ओके। तो इधर वाइब्रेशन है बाइक में, सिक्स्थ गियर बहुत स्मूथ, हल्की सी डगमगाई क्यों, नो आइडिया, शायद मेरी गलती होगी कुछ इसके अंदर। मज़ेदार लग रहा है चलाने में इसको यार, आप थ्रोटल को प्रॉपर फील कर पा रहे हो, एंड जो स्मूथनेस आ रही है इसके अंदर हर एक गियर डाउन करने के बाद, मतलब हिचकोले नहीं ले रही है, जो झटके लेती है कई बार गियर डाउन कर देते हैं, और हाईर गियर पे होती है बाइक तो झटके लेती है, ये प्लान नहीं लिया इसने। मेरे को लेफ्ट लेना है और ट्रैफिक में आ जाऊंगा, और ये ट्रैफिक में ज़रूरी है मेरे को चेक करना कि ट्रैफिक में इसका मतलब मैन्यूवर करना कितना ईजी रहेगा। तो ये इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस कि आपको कितना एक्सपीरियंस है ट्रैफिक में चलाने का। अगर आप हल्के बाइक भी ट्रैफिक में नहीं चला पाते हो तो फिर हैवी बाइक और दिक्कत देगी डेफिनेटली। और अगर आप कहीं भी नई बाइक चलाने में टेस्ट रैली में घबराते हो तो हाँ थोड़ा घबराहट होगी चलाने में। ब्रेक अच्छे लगे, ये छोटा सा बच्चा आगे आ गया है, ओके।
मज़ेदार है। मुझे टर्निंग रेडियस में इतना मतलब यार, ये टर्निंग रेडियस प्रॉपर यू टर्न वाला भी टर्न नहीं लिया मैंने, जो रोड से आप यू टर्न लो, ये तो फ्लाईओवर से नीचे टर्न था, तो मेरे को टर्निंग रेडियस में कोई दिक्कत नहीं हुआ, बहुत ईजिली मैंने टर्न कर लिया बाइक पे, पैर नीचे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे को, और ये मुझे बहुत मज़ेदार लगा। बाइक अच्छी है, नो डाउट। अपीयरेंस में मेरे को यार देखो, हर किसी के लिए पर्सनल चॉइस होती है, तो मुझे ओके ओके टाइप लगे, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मुझे प्यार हो गया इससे, ऐसा कुछ हो सकता है, मेरा टेस्ट अलग है थोड़ा सा, इस वजह से ऐसा हो सकता है। क्या है कि जो पैर हैं वो फ्रंट आगे की तरफ हैं, तो मैं दो बार कंफ्यूज हो गया अभी, मैं जो नॉर्मल सिटिंग पोस्चर है जैसे बाइक में डोमिनर में है, उसी पोस्चर में आ रहा हूँ बार बार। और बैलेंसिंग बहुत अच्छी है इसके, बहुत अच्छी बैलेंसिंग है यार इसके, नो डाउट। बाइक को जो बनाया है इन्होंने, खतरनाक लेवल का बनाया है। जो पिलियन होगा वो आई एम श्योरली उसे घबराहट होगी। हाँ, टर्निंग रेडियस थोड़ा सा ज़्यादा है, बट मेरे लिए टफ नहीं था, मुझे टर्निंग रेडियस में इतना कोई दिक्कत हुई नहीं। ना